हुण जरा सोचो, गुरु रहवर पीर फकीर उन्होंने को कैसी डिग्री सी? श्री गुरु नानक देव जी कोई डिग्री सी कि बंदा कहता इन्होंने आ तालीम एजुकेशन ली, पर उन्होंने अपने मालिक ते अपने रब ते पूरा विश्वास सी कि वह कोई परम शक्ति है जो सारे जग नू चला रही है। फिर उन्होंने जानिया, उन्होंने समझिया, फिर आवाज दिती एक ओंकार सतनाम, एको ही है जो सारी सृष्टि का पालक है, सारी सृष्टि का दाता है। हुण जरा समझना, हुण इतनी असी हजूर मुहम्मद साहब की गल कर लीए तो उन्होंने कोल भी कोई एजुकेशन नहीं सी, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं सी। या असी होर श्री गुरु रविदास जी की गल कर लीए या भगत कबीर जी की गल कर लीए, होर बहुत संत फकीर ऐसे होए हैं जिन्हां कोल कोई एजुकेशन नहीं सी, पर उन्होंने अपने विश्वास उस मंजिल नूं पाया कि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी, बड़े बड़े एजुकेशन वाले भी उन्होंने कदमा चाके सिर रखते से। इसलिए मौलाना रूमी कहते हैं कि तालीम और इलम से बड़ा दर्जा यकीन का होता है, क्योंकि तालीम और एजुकेशन यानी तालीम एजुकेशन और नॉलेज इलम ये तो सब दे कोल हुंदा है। बहुत ऐसे है जिन्हां कोल है, पर कामयाब वह हुंदे है जिन्हां दे कोल यकीन हुंदा है, विश्वास हुंदा है। हुण तुसीं चेक करना है, क्योंकि कई बार तुसीं भी देखोगे बहुत इदां दे नौजवान है जिन्हां कोल डिग्रियां तो है, डिग्रियां कह देंदे एजुकेशन, कोई एम ए करके बैठा है, कोई बी ए करके बैठा है, डिग्रियां तो है पर वह कामयाब नहीं है। वह दर दर ते बेचारे धक्के खाते, कि नौकरी नहीं मिलती, बड़े परेशान है। इसलिए दस रहे मौलाना रूमी कि दर्जा विश्वास का बड़ा है। हुण उन्होंने चाहिए है कि असी अपने मालिक पर विश्वास करिए, अपने मालिक पर यकीन करिए, अपने आप पर विश्वास करिए, तो सानू कामयाबी भी फिर जरूर मिलेगी। क्योंकि इस तरह समझना कि जिस तरह असी गल कर रहे थे कि गुरुआ रहवरां को कोई डिग्री नहीं सी, पर अज उन्हां दी जय जयकार घर घर हुंदी है। हुण इह तां गुरुआं रहवरां पीरां फकीरां दी गल होई, हुण गल करिए साइंटिस्टां दी कि एडिसन सी उन्हां को भी कोई बड़ी डिग्री नहीं सी, क्योंकि स्कूल वालिआं ने तां उन्हां नूं उदां ही कढ दित्ता सी स्कूलों कि नलायक है, इहनूं असीं पढ़ा नहीं सकदे। इह थॉमस एडिसन दी गल कर रहे हैं जो कि बहुत बड़े विज्ञानी सी जिन्हां ने आ बल्ब दी खोज कीती, होर भी उन्होंने बहुत आविष्कार कीते, पर जे तुसीं देखोगे उन्हां को कोई बड़ी डिग्री नहीं सी, बस उन्हां अंदर एक विश्वास सी कि मैं आ कम करना और मैनू यकीन है कि मैनू सफलता मिलेगी। वह विश्वास नाल मेहनत करते चले गए तो एडे बड़े आविष्कारक बन गए कि कई खोजा उन्होंने कीतियां, समझदे हो, क्योंकि उन्हां अंदर की सी यकीन, विश्वास। और दूसरे पासे एलबर्ट आइंस्टाइन, उन्हां दे कोल कोई बड़ी डिग्री नहीं सी, लिखण च आया है कि तीन या चार साल तक तो बोलते भी नहीं सीगे, यानी चुप ही रहिंदे सी, बोले भी नहीं सी। तां माता पिता फिक्र करदे सी कि साडा बच्चा गूंगा तो नहीं, साडा बच्चा बहरा तो नहीं, बोलता ही नहीं गा। और कईआं ने कह भी दिता सी इहदा दिमाग मोटा है, इहदा दिमाग बड़ा मोटा है, ये जिदा बंदा कहिंदा अकलमंद नहीं होना, बेवकूफ बुद्धू होना है। पर देखो एलबर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी इदां दीआं खोजां कर लईआं क्योंकि उन्होंने अंदर भी एक विश्वास सी कि कोई ताकत है। इसलिए तो एलबर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि दिन में मैं हज़ार बार, कितने सौ बार लिखा, कितने हज़ार बार लिखा, पर इतने असी दोनों ही कोट कर रहे हैं कि वह कहते दिन में मैं सौ बार या हज़ार बार वह ताकत का धन्यवाद करता हाँ जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, तो जिसने मैनू जीवन दिता है, क्योंकि बिना उस ताकत तो ना यह ब्रह्मांड चल सकता, तो ना मेरी जिंदगी चल सकती। कितने विश्वास से, इतने बड़े साइंटिस्ट का भी विश्वास से कि कोई ताकत है जो सबनों चलाने वाली है, जिन्हों ऐसी गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, मालिक कहते हैं, राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, वह भी विश्वास करते से। हुण अगे आ जाइए कि यह तो साइंटिस्टा की गल करते हैं, फिर बिजनेसमैना की गल भी कर लीए। अगर तुम स्टीव जॉब्स की जिंदगी देखो जो एप्पल कंपनी का फाउंडर से, उन्होंने कोल भी कोई कॉलेज की बड़ी डिग्री नहीं सी, ड्रॉप आउट सी, कॉलेज में पास भी नहीं, यानी कॉलेज छड़ दिता सी उन्होंने। और बिल गेट्स की भी गल करिए तो उन्होंने कोल भी कोई बड़ी डिग्री नहीं सी, ये भी इड्डे वड्डे बिजनेसमैन जो अरबापति सी, ये भी कॉलेज तो ड्रॉप आउट सी, पर इन्हां दे अंदर कुछ गुण सी। चाहे गुरुआ की गल कर लीए, साइंटिस्टा की गल कर लीए, रहबरां की गल कर लीए, तो असी थोड़ा जिहा सर्च किया
तो इन अंदर छे गुण सानू नजर आए, छे गुण। वो छे गुण केड़े सी? अगर वो छे गुण तुसी भी समझ लवो तो तुसी भी कामयाब हो सकते हो। सो दस दी छे गुण केड़े सी जो ऐसी समझे आ कि चाहे रूहानियत का मार्ग होवे, चाहे दुनियावी मार्ग होवे, चाहे साइंस का मार्ग होवे, चाहे बिजनेस का मार्ग होवे, चाहे किसी भी फील्ड में असी होइए, अगर ये छे गुण साढ़े अंदर है तो फिर असी भी कामयाब हो सकते हैं। सो छे गुणा च पहला गुण किहड़ा सी? गुरुआं रहवना पीरां फकीरां जां साइंटिस्टां दे अंदर। क्योंकि गल याद रखो, विज्ञान बाहर खोज करता है, ध्यान अंदर खोज करता है। समझ लो विज्ञान खोज करता है कि दुनिया ते की है, संसार ते की है, चंद्रमे ते की है, मंगल च की है, सूरज च की है, किहड़ी गैसेज है, किहड़ी चीज़ है। विज्ञान बाहर तलाश करता है, तो ध्यान का मतलब होंदा है अंदर ये जानना कि दुनिया नूं बनाउण वाला परमात्मा की है, वह सर्व शक्तिशाली प्रभु की है। इसलिए गुरुआ ने अंदर उस परमात्मा नूं जाणिया, तो विज्ञान ने बाहर परमात्मा के बनाए हुए संसार नूं जाणिया। पर एक गल याद रखो कि जिस वेले इंसान अपने अंदर बैठी और परम शक्ति नूं जान लैंदा है, तो जिदा कबीर साहब ने कहा कि जो वो एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए, एक ते सब कुछ होत है सब ते एक ना होए। कि जानना तो पहला अपने अंदर प्रभु नूं जान, वह परमानंद नूं जान, क्योंकि जो अपने अंदर तेनू आनंद की जड़ मिल जाती है तो तेरा बाहर जीवन आनंद भरना शुरू हो जाता है। पर जे तू बाहरलियां जानकारियां लै भी लईयां तो बाहरली जानकारी ना तेरे अंदर आनंद नहीं आना, तेरे अंदर शांति नहीं आनी, तेरे अंदर सुकून नहीं आना। हुण एक बच्चा फर्ज करो उन्हें साइंस की क्लास में उन्हें सब कुछ पढ़िया है, सूरज बारे, चंद्रमे बारे, मंगल बारे, शुक्र बारे, शनि बारे, सब कुछ उन्हें पढ़िया है, पर वो ग्रहां की जानकारी है, ब्रह्मांड की जानकारी है, आकाश गंगा की जानकारी है, वो हाले उन्होंने अपने अंदर की जानकारी नहीं मिली कि अंदर मेरे वो परम शक्ति कित्थे है, वो परम आनंद कित्थे है, परम शांति कित्थे है। इसलिए गुरु रहवर कहिंदे पहला ध्यान, जे जड़ परमात्मा नूं समझ लिया तो बाकी चीज़ां अपने आप ही समझ आ जाणियां। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जदों अपने पिंड नूं अपने शरीर नूं जान लिया तो ब्रह्मंड की जानकारी तो अपने आप ही हो जाती है, पर अपने अंदर नूं वो परम शक्ति नूं जानण नाल तैनूं वो ताकत मिल जाती है कि तेरे जीवन च खुशियां, आनंद, शांति, सुकून आना शुरू हो जाता है। इसलिए समझना हुण वो छे गुण जरा जल्दी जल्दी दस दईए असीं कि पहला गुण जिन्हां गुणा करके इंसान कामयाब हो सकता है, जो गुरुआं रहवरां अंदर भी सी, साइंटिस्टां अंदर भी सी, उन्हां बिजनेसमैनां अंदर भी सी, वह पहला गुण की सी? पहला गुण सी चाहत, यानी इच्छा। क्योंकि पहला साडे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए है, चाहत होनी चाहिए है कि मैं चाहता की हाँ। जिदा एडिसन की चाहत सी कि मैं बल्ब की खोज करनी है, हालांकि उसने बल्ब है नहीं सी, उन्हें यह भी नहीं पता सी कि बल्ब बनना कातों है, यदि तैयारी किदा करनी है, कुछ नहीं पता सी, पर फिर भी अंदर चाहत पैदा हुई तो एक लग पिया हो कोशिश। इसलिए एक एक गुण दसांगे तो फिर अपने आप तुसी भी समझना कि मेरे अंदर गुण है या नहीं। हुण ये विज्ञानिक की गल है, और गुरुआं रहवरां की गल भी करिए, उन्हां अंदर भी पहला एक चाहत पैदा हुई वो परमानंद नूं पाण दी, उन्हूं जानण दी। क्योंकि जब तक अंदर चाहत नहीं होएगी उदों तक असीं कदी उधर नूं कदम नहीं वधावांगे। समझ दिओ कि नहीं? इसलिए पहला छे गुण दस दईए, फिर इन्हां नूं थोड़ा बरीकी नाल दसांगे कि पहला गुण साडे अंदर होना चाहिए है चाहत, यानी इच्छा। दूजा गुण साडे अंदर होना चाहिए है प्लैनिंग, यानी योजना। क्योंकि चाहत तो हो गई, हुण प्लैनिंग भी होनी चाहिए, योजना भी होनी चाहिए कि उत्थे तक पहुँचना कितना, करना की है। और तीसरा गुण साडे अंदर होना चाहिए मेहनत, अपने काम नाल प्यार, यानी मेहनत करनी है पर प्यार समझ के करनी है, सिरदर्दी समझ के नहीं। तुहानूं दस्सिया कि पहला छे गुण दस दईए फिर थोड़ा बरीकी नाल दस्सांगे। सो पहला गुण किहड़ा है? चाहत यानी इच्छा। दूसरा गुण है प्लैनिंग यानी योजना। तीसरा गुण है मेहनत और अपने काम नाल प्यार। चौथा गुण है जनून, अंदर जनून होना चाहिए पैशन। चौथा गुण गुण की दसिया? जनून। पंजवा गुण है साहस, जिन्हों कर्ज कह दें कि साढ़े अंदर साहस होना चाहिए है,
और छेवा गुण लास्ट गुण है विश्वास कादा अपनी कामयाबी का कि मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी। ये छे गुण साडे अंदर जरूरी है अगर असी परमात्मा नू पाना है परमानंद नू पाना है चाहे असी दुनिया के किसी बिजनेस चो अगे वधाना है चाहे दुकानदार हाँ उत्थे कामयाबी चाहिए है तो हर पहलू विच अंदर भी बाहर भी क्योंकि साडी एक कोशिश है पता की है कि साडे नाल बहुत ऐसे जीव जुड़े हुए है कई ध्यान नू लैके जुड़े है तो कई अपने बिजनेस नू लैके अपनी सेहत नू लैके अपनी हैल्थ नू लैके जुड़े है। तो हुण याद रखो चाहे साडी हैल्थ की गल होवे चाहे साडे बाहर बिजनेस की गल होवे पैसे की गल होवे जां किसे काम की गल होवे तो चाहे रब नू पाण की गल होवे ये छे कानून यानी ये छे नियम हर जगह लागू होंदे होंदे है कि नहीं। अपनी सेहत नू लै लईए पहलां फर्ज करो एक बंदे का ओवरवेट है हुण उहदी पहलां चाहत होनी चाहिए कि मैं अपने वेट नू घटाना है पहला चाहत पैदा हुई हुण प्लैनिंग चाहिए मैं करना की पैना है प्लैनिंग का मतलब की हुंदा है मैं करना की पैना ये वास्ते और फिर जो प्लैनिंग बन गई तो हुण उत्ते मेहनत करन दी लोड़ है कि हुण मैं मेहनत करनी है पर मेहनत इदा नहीं करनी कि दुखी होकर करनी है मेहनत इदा करनी प्यार नाल ये मेरी चाहत है जिदा जो महात्मा बुद्ध ध्यान से बहते सी अंदर चाहत सी परमात्मा नू पाण दी तां अज बंदा की करता है मोबाइल का अलार्म ला के बैठा है अद्धा घंटा हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया 15 मिनट हो गए बहुत हो गए पर महात्मा बुद्ध जदों बहते सी श्री गुरु नानक देव जी जदों बहते सी हजूर गौस या हजूर मुहम्मद जदों बहते सी वो टाइम नहीं देखते सी वो तो बस बहते सी क्योंकि उन्होंने वो चाहत सी वो आनंद सी वो प्यार सी उत्थे कोई मजबूरी नहीं सी। कहिंदे एडिसन जदों बल्लभ दे अविष्कार च लगे सी तां कई कई घंटे वो काम करन विच इन्ना मसरूफ रहिंदे सी कि खाना भी भुल जांदे सी। कहिंदे एक बार एक अविष्कार करन विच लगे हुए सी उन्हां दा नौकर आया दोपहर का खाना रख गया कोल दोपहर का खाना रख गया कोल पर उन्हां नूं पता ही नहीं खाने वाल ध्यान ही नहीं है वो काम च इन्ना लगे हुए है कि उन्हां दा एक दोस्त आया एडिसन का दोस्त आया उन्हां देखिया टेबल ते रोटी पई हुई है तो मन च सोचिया कि शायद एडिसन ने खा ली है उधर रखी हुई है वह बैठा बैठा आप खा गया पर एडिसन लगा हुआ सी अपने काम च तो उन्होंने भी पता सी कि एडिसन ने कहा है कि जो मैं काम च लगा हुआ मैं डिस्टर्ब नहीं करना मैं बुलाना नहीं है जो मैं आप फ्री होकर बोला तो फिर गल करनी है। हुण 2 घंटे दोस्त बैठा रहा खाना भी खा गया एडिसन काम करने तो बाद पलटिया देखिया दोस्त नू बैठिया और खाली थाली देखी कि मेरी थाली खाली पई है एडिसन कहता कमाल की गल है जी मैं खाना भी खा लिया मैं पता नहीं लगा उन्हें सोचा शायद ये खाना मैं खाधा है यानी इन्ना काम दे विच ध्यान है कि याद ही नहीं कि मैं खाना खाधा है या नहीं खाधा इन्ना काम दे नाल प्यार है इन्ना अपनी खोज दे नाल प्यार है तो इत्थे बंदा की करता काम करता हुंदा है 5 मिनट रह गए खाना आण नू 10 मिनट रह गए कॉफी पीण नू टी टाइम होण नू काम वल तो ध्यान नहीं ध्यान तो सारा हर वेले खाण पीण च लगा रहिंदा है या फ्री हुंदा है तो मोबाइल पर कुछ ना कुछ गेम खेडी जानी या कोई ना कोई फिल्म देखी जानी इदां दीआं चीज़ां वल ध्यान है फिर बंदा कहिंदा मैनू जीवन च कामयाबी नहीं मिलती। जरा सोचो सारे जी एक बंदा हुंदा है ईमानदार ईमानदार केड़ा है कि एक ऑफिस में मालिक काम करता है तो वह मालिक दी किसी चीज़ नू छेड़दा नहीं है वह किसी चीज़ नू इधर तो उधर नहीं करता वह पैसे की हेराफेरी नहीं करता ऐसी कहिंदे बंदा बड़ा ईमानदार है पर कई बार ईमानदार बंदा भी चोरी करता है वह कादी चोरी करता समान की नहीं पर अपने मालिक के टाइम की चोरी करता है फिर असी उन्हों ईमानदार कितना कहांगे वह चोरी कादी है कि उन्हें 8 घंटे ड्यूटी करनी है पर वह काम करता 6 घंटे 2 घंटे अपने यारा दोस्तों ना गल्ला करता रहिंदा है हुण उत्थे वह चीज़ां नूं तां चीज़ां दे प्रति तां ईमानदार है उन्हां नूं नहीं छेड़दा पर जिहड़ा काम दा लॉस करा रहा उहदे नाल वह मालिक नूं कितना घाटा पै रहा है जरा सोचो इसलिए हमेशा इंसान उही तरक्की करदा जिहड़ा काम दे नाल प्यार करे। इसलिए जे तुसीं कामयाब होना चाहते हो चाहे अपनी सेहत नूं लैके चाहे रूहानीयत नूं लैके हुण फर्ज करो इत्थे कोई इंसान बैठा कि मैं रब नूं पाना चाहुंदा आ तां हुण उहदे अंदर चाहत तां आ गई पर हुण प्लैनिंग की है उहदी कि रब नूं पाना पर रब तक पहुँचना किदां है उहदे तक मार्ग किहड़ा जांदा है उहदे वास्ते मैनूं करना की पैना है उहदी प्लैनिंग हुंदी है। जिद्दां तुसीं कुल्लू मनाली जाणा होवे या तुसीं शिमले जाणा होवे या तुसीं किसे बाहरली कंट्री जाणा होवे तां पहलां प्लैनिंग हुंदी है कि भाई मैं उत्थे जाना तो कपड़े किहड़े लैके जाने हैं उत्थे मैं रहना किहड़े होटल च है या उत्थे मैं वीज़ा किदां लैना है
या मैं किहड़े किहड़े डॉक्यूमेंट मैनू चाहिए वो सारी प्लैनिंग होंदी है, तो फिर बंदा कहिंदा हुण मैं तैयार हाँ, गड्डी भी आ गई, सब कुछ आ गया, होटल की बुकिंग हो गई, यार दोस्त भी इकट्ठे हो गए, चले गए मनाली। इदां ही प्लैनिंग होंदी है ना, पहला इच्छा फिर प्लैनिंग। पर इत्थे जरा सोचो, सच दस्यो, तुसीं खुशी तां चाहुंदे हो, आनंद तां चाहुंदे हो, कामयाबी तां चाहुंदे हो, चाहत तां है, पर कोई प्लैनिंग है? हुण जब तक प्लैनिंग नहीं होएगी असीं मेहनत नहीं कर पावांगे, और जब तक मेहनत नहीं करांगे तां सानूं साडी मंजिल भी कदी नहीं मिलेगी। इसलिए अज घर जाके की करना है कि जो भी मेरी चाहत है, जे मेरी सेहत ठीक नहीं रहिंदी, मैं तंदुरुस्त होना चाहुंदा हां, मेरी चाहत है तंदुरुस्ती दी, तो फिर प्लैनिंग करो कि मैं तंदुरुस्ती चाहुंदा हां। जे मैं पतला हां, मैं अपने वेट नूं वधाना चाहुंदा हां, तो फिर प्लैनिंग मैनूं की करनी पएगी, मैनूं की ऐसा खाना पएगा, मैनूं कि जगह जाना पएगा ता कि मेरी वो चाहत पूरी हो सके। जे मैं घटाना हां तो मैनूं उहदी प्लैनिंग की करनी पैनी है। हुण कईआं नूं देखो ना, चाहत तां है मेरा वेट घट जाए, पर प्लैनिंग नहीं करते, छोले भटूरे खाई जाने हैं, कुलचे खाई जाने हैं, बर्गर पीजे खाई जाने हैं, पुछो की चाहता है, चाहता तो पतला होना है, पर की करा स्वाद ही बड़े लगते हैं, छड भी नहीं होंगे। यदा मतलब चाहत तो है पर प्लैनिंग नहीं है। हुण जे रब नूं पाना चाहते हैं, वो वास्ते प्लैनिंग की लोड़ है, चाहत के नाल नाल योजना की लोड़ है। योजना यानी उत्थक पहुंचा कि जाए, समझते हो कि नहीं? हुण इंसान कहिंदा ना बाहर जाना है, वीजा भी मिल गया, हुण प्लेन की टिकट लैनी है, किहड़े प्लेन की टिकट लवां जिहड़ा मैनूं जल्दी पहुँचा देवे। इसी तरह जे मैं भी इस शहर तो, इस नगर तो रब दे नगर तक जाना है, तो मैनूं भी गुरु की जरूरत है, वह सतगुर की जरूरत है, जो मैनूं दुखां दे घर तो खुशियां दे घर तक लै जाए, जो मैनूं संसार तो परमात्मा तक लै जाए, मैनूं ऐसे मुरशद की लोड़ है। इहनूं कहिंदे प्लैनिंग। प्लैनिंग हुण एक बच्चे ने डॉक्टर बनना तो पहली प्लैनिंग करनी पैंदी है कि नहीं, किहड़े कॉलेज जाना है, किदा इन्हें मेडिकल रखना है, अगे किहड़ी पढ़ाई करनी है, जे किसी ने इंजीनियर बनना है तो पहली प्लैनिंग होंदी है। इसी तरह तुसीं की बनना चाहते हो, दूजी चीज़ है, दूजा गुण प्लैनिंग, योजना। फिर तीजी चीज़, जदों योजना बन गई, बना ली योजना कि ठीक है आ कम करके इस मार्ग से चल के मैनू मेरा मन भांदा जो लक्ष्य है मिल सकता है, मेरी मंजिल मैनू मिल सकती है, तो हुण मैं की करना है? तीसरा गुण की करना है? हार्ड वर्क, मेहनत, पर कम नाल प्यार। मेहनत करनी है पर मेहनत नूं मजबूरी च नहीं करना, दुखी होके नहीं करना, खुशी नाल करना है। क्यों? क्योंकि मैं ये मेहनत खुशी नाल इसलिए कर रहा हाँ कि जो मेरी चाहत है उस मंजिल ते जाण दी, और मेरी प्लैनिंग हो चुकी है कि इस रस्ते चल के मैं उदे तक पहुँचना है। हुण मेरी मेहनत, ये मेरा प्यार है कि इस रस्ते चलूँगा, मेहनत करूँगा, तो ही मेरी चाहत पूरी होएगी। इसलिए उत्थे चाहिए जनून। जनून का मतलब समझते हो ना, कि जिन्हें अंदर जनून होंगे ना, फिर दुनिया की परवाह नहीं करते, दुनिया की नहीं सुनते कि दुनिया की कहती है। जिदा असी कई बार दसिया कि राइट ब्रदर अंदर जनून सी हवाई जहाज बनाने का, तो उन्होंने दुनिया की नहीं सुनी कि दुनिया ने उन्होंने किन्ने कौड़े बोल बोले, किन्ना मजाक उड़ाया कि दसो ये दोनों भरा पागल हो गए, इन्होंने लोहे को हवा च उड़ाना है, कभी हो ही नहीं सकता। पर उन्होंने अंदर जनून सी, उन्होंने दुनिया दी गल्लां दी परवाह नहीं की, क्योंकि जिहदे अंदर जनून होवे ना, वह कहिंदा जब तक मैनू मंजिल नहीं मिलनी मैं पिछे मुड़ के नहीं देखना, या मैं हार नहीं मननी। इसलिए जीवन च कभी हार ना मनो, कह दियो जीवन च कभी हार ना मनो, क्योंकि कई बार चाबियां दे गुच्छे विचों अंतिम चाबी ना ताला खुल जाता है। हुण फर्ज करो तुहाडा एक घर है, यानी किते तुसी गए, कोठी किराए ते लै लई, या अपना घर नवें शहर च खरीद लिया, हुण घर का जो मालिक है उन्हें चाबियां का गुच्छा तुहानू दे दिता, जिस गुच्छे विच 50 चाबियां आ, हुण मेन गेट ते ताला लगा है, तुसीं पहली चाबी लांदे हो ताला नहीं खुलदा, और तुसीं कहिंदे हो लै आ किदां दा घर दे दिता सानू, है आ ताला ही नहीं खुलदा, चलो ऐसे ही नहीं कर लेना, वापस करो चाबी। ये समझदार होएगा बंदा? उन्हें कहना भाई एक ही चाबी लाई है, 50 चाबियां तेरे कोल है, दूजी ला, दूजी ना नहीं खुलिया फिर कह दियो तीजी ला, तीजी ना नहीं ताला खुलिया फिर चौथी ला, क्योंकि जब तक 50 चाबियां है ना, कोशिश करी जा, पता नहीं किहड़ी चाबी ना ये ताला खुल जाना है। तो जे एक इंसान एक दो चाबियां ला के, तीन चार चाबियां ला के वो मकान मालिक नूं गुस्सा करना शुरू कर दे, मकान मालिक नाल ही झगड़ा करना शुरू कर दे, तू किदां दीआं चाबियां देतीआं, ताला तां खुलदा नहीं, मैं तीन बार कोशिश की, तो मालिक ने भी हसना है, कहना भाई तीन बारी की ना, आ 50 अवसर है तेरे को,
पंजा चाबियां तेरे गुच्छे च, जरा सारिया की कोशिश कर फिर ना खुले। फिर मैनू कही कि पंजा चाबियां दित्तियां सी, नहीं ताला खुलिया, क्योंकि जे पंजा दित्तियां है तेरा मतलब पंजा चाबियां कितने ना कितने एक घर के अंदर काम आनिया है। इतने ही अज इंसान की हालत भी ऐसी है कि इंसान एक बार कोशिश करता है नहीं किस्मत का ताला खोलता, यानी कामयाबी का ताला नहीं खोलता, फिर दूजी बार कोशिश करता है नहीं कामयाबी का दरवाजा खोलता, तीजी बार कोशिश करता है तो बंदा रब नूं कहिंदा रब्बा कादी जिंदगी दित्ती, एक कादा जीवन दिता, मैं तीन बार कोशिश कर ली मैनूं कामयाबी नहीं मिली, तो रब भी हसदा है कि भाई मैं तैनूं ये सांस दित्ते है ना, ये जिन्ना तेरा जीवन है जिन्ने तेरे सांस है हर साह नाल कोशिश करता चला चल, क्योंकि पता नहीं किस साह दे नाल तेरे वास्ते खुशियां का दरवाजा कामयाबी का दरवाजा खुल जाना है। कोशिश करता चला जा क्योंकि यही तो जिंदगी है, हर सांस नाल कोशिश करना ही जिंदगी है, जीवन है। जे एक बार कोशिश कर ली, दो बार कोशिश कर ली और फिर हार मन के बह गए, तो एक गल हमेशा याद रखो कि कहा जाता है कि ना समझ वो नहीं है, जरा ध्यान देना है गल नूं अच्छी तरह समझ लेना, ना समझ या बेवकूफ वो नहीं है जिहड़ा एक बार कोशिश करके गिर जावे। बोलो समझदे हो कि नहीं, बल्कि ना समझ वो है जिहड़ा एक बार कोशिश करता है गिर जाता तो मुड़ के उठन की कोशिश कदी करता ही नहीं है। समझदार केड़ा है, समझदार वो है जिहड़ा एक बार गिरता है फिर उठता है कोशिश करता है, दूजी बार गिरता है फिर उठता है कोशिश करता है, तीजी बार गिरता है फिर उठता है कोशिश करता है, और उदों तक उठता चला जाता है कोशिश करता चला जाता है जब तक उहदे वास्ते कामयाबी का दरवाजा खुल ना जाए, वह है समझदार। समझदे हो ऐसी किन्नी बार गिरे कि बंदा कहे वह दस बार गिरिया वह तो बेवकूफ है, और आ बंदा इको बार गिरिया पर मुड़ के उठिया ही नहीं, यह समझदार है नहीं, यही कहे बेवकूफ है यह तो बह गया, इन्हें कभी अगे पहुंचना ही नहीं है। एडिसन हजार बार फेल होया, हजार बार गिरिया, पर एडिसन ने हर बार उठ के दिखाया और कोशिश की और कामयाबी भी मिली। सो समझ लो ये तुहाडे जिन्ने सांस ने रब की तरफों मिलिया हुई चाबियां है, ये चाबियां दे समझ लो गुच्छे रब ने तुहाडे अंदर दिते हुए है। हर साह नाल कोशिश करो, हर साह नाल मेहनत करो, हर साह नाल विश्वास रखो, कदम अगे वधाओ, क्योंकि जिहड़े चलदे है उन्हां नूं मंजिल भी जरूर मिलती है, पर रस्ता सही होना चाहिए है, क्योंकि गलत रस्ते जाके बंदा अपनी मंजिल तो दूर चला जाता है, तो जे सही रस्ते एक एक कदम भी बधाते जावे तो मंजिल भी जरूर मिलेगी, और सही रास्ता सानू वो परमात्मा दिखाता है। इसलिए अज एक गल कहनी है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है कि मेरा मालिक मैनू रास्ता दिखाएगा, मेरी संभाल करेगा और मैनू मंजिल ते पहुंचाएगा, क्योंकि मैनू अपने मालिक ते पूरा। ये तीन चीजा अपने अंदर कहनी है असं कि मेरा मालिक मैनू रास्ता भी दिखाएगा, मेरी संभाल भी करेगा और मैनू कामयाबी ते मंजिल ते भी पहुंचाएगा, मैनू अपने मालिक ते पूरा है ना विश्वास, तो फिर हार नहीं मननी कभी भी, तुहानू कामयाबी जरूर मिलेगी। क्योंकि असीं फिर कहांगे कि कोशिश करने वालों की कभी, जिहड़े कोशिश करते हैं उन्होंने जिंदगी कभी हार नहीं होती। इसलिए मेहनत करनी है, काम नाल प्यार करना है, और प्यार करके ही असीं अपनी चाहत नूं पूरा कर सकते हैं। जे रब नूं पाण दी चाहत है ना तो ध्यान नूं मजबूरी नाल नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार नाल करना कि मेरा इश्क है। जे तां बंदा कि ना फिल्म देखता तो खुशी नाल देखता है, कोई जबरदस्ती नहीं उन्होंने लैके जाता। समझते हो कि नहीं, अज तो 5 साल पहलां दी गल है, एक हॉरर मूवी लगी, समझते हो कि नहीं, तां रब्बुल हुणी साढ़े कोल आए, पापा हॉरर मूवी लगी है बड़ी वधिया, कहिंदे देखण जाना है, ठीक है की फायदा कि एक तो पैसे भी दो, दूजा डरन वास्ते, उदा जिंदगी च डर थोड़े है बंदे दे जीवन च, किन्नियां टेंशनां किन्नियां परेशानियां है, हाँ कि हसण वाली चीज़ होवे तो वह देखण जाण दा मजा है, पैसा भी खर्चना डरन वास्ते, पर देखो इंसान देखो की करता है। पर उन्हां नूं समझ आ गई, मुड़ के उन्हां बच्चियां ने यह गल नूं समझ लिया, फिर आप भी हॉरर नहीं देखते, बस कमेडी जरूर देख लेंगे।
सो तुहानू भी यह कहना चाहवांगे कि बंदा चीज़ा भी वो देखता जिहड़ियां उहनू टेंशन च पांदियां है, उहदे जीवन नू परेशानियां ना भर दिंदियां है, पैसा भी खर्चता है कादे वास्ते, डरन वास्ते। और रात नू हॉरर मूवी देख के डरावनी फिल्म देख के घर आंदा ना, डरदा बाथरूम तक नहीं जांदा, फिर कोई पुछण वाला होवे इसलिए पैसे खर्चे सी, ओ भाई इसलिए टिकट लैके गया सी, पॉपकॉर्न खाधे ठंडा पीता 1500 लाता कादे वास्ते के बैडरूम तो बाथरूम तक भी ना जा सके। की फायदा कि पैसा भी ला रहे हैं, टाइम भी ला रहे हैं, तो काम वो सीख रहे हैं जो साडे अंदर डर पैदा करते हैं। बल्कि वो चीज़ देखो, वो चीज़ करो। जिदा आ दो हफ्ते पहला की गल है कि एक माँ आई, उहदा बेटा 12 साल का सी, वो आके दसदी है कहिंदी मालक बच्चा बड़ा डरदा हुंदा सी, पर जदों दा तुहाडा सत्संग सुनना इहना शुरू कीता ना, हुण अद्धी रात नूं उठ के आप ही बाथरूम जांदा, लाइट भी नहीं जगांदा। जदों मैं पुछिया कि बेटा डर नहीं लगदा, कहिंदा मम्मी तू सुनिया नहीं मालक की कहिंदे, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। कहिंदा हुण मालिक मेरे नाल है, हुण नहीं मैनूं डर लगदा, लियाओ किहड़ा भूत है। देखा मजा तो यह है ना जिंदगी का, सत्संग सुनन नाल डर निकल गया, वो फिल्म देखने का की फायदा कि डर पैदा हो गया तो रात को अंधेरे च घर तो बाहर भी ना निकलीए, कोई भूत ना खड़ा हो, कोई प्रेत ना खड़ा हो, कोई चीज ना चुंबड़ जाए। एक गल याद रखो, जिहदे अंदर मालिक का विश्वास है ना, मालिक का यकीन है, उन्हें कोई चीज़ चुंबड़ नहीं सकती, बल्कि चीज़ा उस तो डर के दौड़ दियाँ, समझते हो कि नहीं। हुण तुसीं आप डरते फिरते हो, और डरना बंद करो, अपने मालिक का प्रेम विश्वास इन्ना अपने अंदर पैदा कर लो कि तुसी ना डरो, बल्कि बुरिया चीजा तुहानू देख के डरन, मजा तो फिर है जिंदगी का। हुण दसो बहादुरी कादे च है, उहनू देख के असी डर गए, या असी अपनी शान नाल जा रहे हैं तो सानू देख के बुराई दौड़ जाए। बहादुरी कादे च, मजा कादे च है जिंदगी का, डरन च या शान ना चलन च। तो फिर अज तो अपने मालिक दे विश्वास नाल शान नाल चलना है, विश्वास नाल चलना है कि कोई बुरी चीज मेरे नेड़े नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। ये विश्वास की डोज दे रहे हो, तुहानू खा लो इहनू चंगी तरह। जिदा दस्सिया दो बूंद जिंदगी की, वो पोलियो दे दो ड्रॉप पींदे तो पोलियो दौड़ जांदा है, असी ये विश्वास दी बूंदा पला रहे हैं ताकि तुहाडे जीवन का डर दौड़ जाए तुहाडे जीवन, और तुसी निडरता दे नाल जीओ, क्योंकि वो जिंदगी जीण दा की मजा, डर डर के जीए तो की जीए, समझदे हो कि नहीं। जिंदगी एक दिन की चंगी है, पर मजा फिर है कि निडर होके जीए। इसलिए टीपू सुल्तान ने कहा कि गिद्दड़ की 100 साल की जिंदगी नालों शेर की एक दिन की जिंदगी चंगी है, क्योंकि गिद्दड़ 100 साल डर डर के जीता है, तो शेर एक दिन जीता है पर बादशाह बन के जीता है, राजा बन के जीता है। हुण असीं दुनिया के राजे तो नहीं बन सकते, पर लोगों नू जित के, उन्होंने दिलों नू जित के, प्रेम नाल सब दे दिलों दे अपनी छाप छड के, असीं खुशियां दे राजे तो बन सकते हैं कि नहीं, सफलता दे राजे तो बन सकते हैं कि नहीं। इसलिए निडर बनो, विश्वास पैदा करो अपने अंदर, और जिहड़ा भी काम करना है उहदे नाल ध्यान करना है तो प्यार नाल, दुकानदारी करनी है तो प्यार नाल, बिजनेस करना है तो मेरा प्यार है, क्योंकि ये बिजनेस ने, ये दुकानदारी ने, जे ध्यान ने मेरी चाहत नू पूरा करना है, क्योंकि अंत में जदों बंदे की मौत आती ना, सामने मौत होंदी, फिर बंदा कहिंदा ओहो काश मैं वो कीता हुंदा, तां वो काश सब तो ज़्यादा दर्दनाक हुंदा है। किते तुहानू काश ना कहना पवे कि काश मैं आ कम कीता हुंदा तो मेरी चाहत पूरी हो जानी सी। पर एक गल ये भी कहांगे, चाहत करनी तो अच्छी करनी है, बुरी नहीं। किसी नूं बर्बाद करन दी, कोई नशा करन दी, किसी दा घर उजाड़न दी चाहत नहीं रखनी कि मेरी ते कोई चाहत है तो बदला लेना है, नहीं। चाहत वो रखो अपने अंदर जे जे तुहाडा भी भला होवे तो संसार का भी भला होवे, क्योंकि जिदा असीं दस्सिया सी कि जियो और जीने दो ही काफ़ी नहीं है, जियो और दूसरों की जीने में मदद करो, कि आप भी खुशी ना जियो तो दूजियां दी मदद करो, ताकि दूजे भी अपनी जिंदगी खुशी नाल जी सकन, ये जरूरी है अज दे समय च। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संचा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को, और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।